बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं चटपटी सी और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली बिरयानी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो मीडियम साइज़ के प्याज ली हमने, 3 से 4 अदर टमाटर हैं, 3 पाव के नज़दीक के करीब जो चिकन लिया हमने, और मैंने ग्रीन की जगह रेड वाली चिली यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच है सफ़ेद जीरे का और 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो मसाले हैं बिरयानी के, वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे और साथ साथ मीठी मीठी और चटपटी सी बातें भी करते जाएंगे आपके साथ। 1 कप तेल लिया हमने, अब इसमें ऐड कर देंगे अपने प्याज को, और प्याज को हम करेंगे लाइट ब्राउन सा। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना, बस लाइट सा, जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। यानी कि प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, प्याज से कलर चेंज हो गया है, हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कलर का, चिकन का अच्छी तरह कलर ना आ जाए। दूसरी साइड पे हम अपने चावलों को बॉईल कर लेंगे। चावलों को हमने तकरीबन 2 से 3 कनी का रखना है। ये पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे चावल। इसमें आप थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे जो है गांव के खालिश चावल हैं, इसमें बाजार के नहीं है। हमारे चिकन का अच्छा सा कलर आ गया, ये देखिए बस कलर आया। इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का, और साथ इसमें ऐड कर देंगे हम अपने टमाटर। और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी हम, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाए। अब इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट करेंगे फ्राई अच्छे तरीके से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है, रेड और ग्रीन का कम्बिनेशन, वाओ। अब 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और इसको हम कर देंगे कवर। ये टमाटर हमारे गल चुके हैं, ये देखें। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 पैकेट बिरयानी का, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने नेशनल का लिया है। और साथ में ऐड करना है हमने 2 चम्मच अचार गोश्त के। ये देखेंगे इस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो हमने पैन लिया है, इसमें जो ज़ीरा है इसको हमने सोते कर लेना है अच्छे तरीके से। जब आप को रोस्ट करके बिरयानी में ऐड करेंगे तो बिरयानी का फ्लेवर और उसकी खुशबू चेक कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती खुशबू आने वाली है बिरयानी में से। सब आपसे पूछेंगे तो ये बिरयानी हमें भी बनाना सिखाएंगे। आपने इसको रोस्ट कर लेना है ज़ीरे को, ज़ीरा हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। ज़ीरा हमने अपना अच्छा मोटा मोटा कूट लिया, ये देखिए। अब इसको ऐड कर देंगे आप, इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है ज़ीरे की और साथ में बिरयानी की। ये आपकी सबसे फेवरेट होने वाली बिरयानी, और आप बार बार बनाएंगे घर में और बार बार खाएंगे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बनती है। चावल हमारे हो चुके हैं, अब हम इसमें कर लूँगी स्ट्रेन। चिकन हमारा रेडी हो चुका है और चावल भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसके पतीले के नीचे आपने रखना है तवा, और स्लो आंच जो है बिल्कुल स्लो कर देनी है, और इसमें ऐड कर देंगे हम अपने राइस। मैं इसमें तेल वगैरह नहीं लगा रही, आपने इसी तरीके से ऐड इसको बनाना है।
और चावलों को आपने अच्छी तरह इसमें फैला देना है, नीचे जो मसाला है उसके ऊपर। तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से फैला दें चावलों को अच्छे तरीके से। अब इस पर ऐड कर देंगे हम फूड कलर, आप चाहें तो पानी मिक्स करके इसको ऐड कर सकते हैं, मैं ऐज के इसको कलर कर रही हूँ। और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। इसकी आंच जो है वो बहुत स्लो रखनी है आपने, ये देखिए इस तरीके से आप रुमाल लगाएं इस पर और इसको कवर कर दें 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपकी बिरयानी जो है वो एकदम रेडी हो जाएगी। जी अपनी बिरयानी देखते हैं हम, ये देखें जी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी, ये देखें। अब इसको हम करेंगे मिक्स, ये देखें अलग अलग चावल हैं इसका ज़बरदस्त है, ये देखें। ये देखिए जिसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, जी हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी चावल जो है बिल्कुल चिपके नहीं है, अलग अलग हैं, देखें। आप इस बिरयानी को घर में बनाएंगे तो बाज़ार की बिरयानी भी भूल जाएंगे आप लोग। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।